जो रूट इंग्लैंड की महान टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। उन्होंने बुधवार को सर एलिस्टर कुक के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रूट अब कुक को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रूट को इस टेस्ट में बल्लेबाजी करते वक्त एलिस्टर कुक को पीछे छोड़ने के लिए 71 रन्स की जरूरत थी। उन्होंने इंग्लैंड की पारी के दौरान 42 ओवर में आमिर जमाल की गेंद पर चौका लगाते हुए कुक को पीछे छोड़ दिया। वो फिलहाल 72 रन और बैन डकेट 80 रन बनाकर नाबाद है। पाकिस्तान के 556 रन के जवाब में इंग्लैंड ने दूसरे दिन लंच ब्रेक तक अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। रूट फिलहाल टेस्ट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने इस टेस्ट में अर्धशतक लगाया, जो उनकी करियर का 65 अर्धशतक रहा। इसके अलावा वो टेस्ट में 3400 भी लगा चुके हैं। जब ये वीडियो बना है तब उन्होंने 147 टेस्ट की 268 पारियों में 50.91 की बेहतरीन औसत से 12,474 रन बनाए हैं। टेस्ट में 254 रन उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी रही है। वहीं एलिस्टर कुक ने 161 टेस्ट की 291 पारियों में 45.35 की एवरेज से 12,472 रन्स बनाए थे। इनमें 33 हंड्रेड्स और 57 हाफ सेंचुरीज शामिल थी। 294 रन्स कुक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का ओवरऑल रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 15,921 रन बनाए थे। ओवरऑल लिस्ट में रूट पांचवें स्थान पर है। अगर हम ओवरऑल लिस्ट की बात करें तो इंग्लैंड के लिए टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने की लिस्ट में अब जो रूट टॉप पर पहुंच गए हैं, जिनके 12,474 रन्स हैं। दूसरे हैं एलिस्टर कुक 12,472 रन्स के साथ। तीसरे हैं ग्राहम गूच 8,900 रन्स के साथ। अब है एलेक स्टीवर्ट 8,463 रन्स, डेविड गावर 8,231 रन्स और केविन पीटरसन 8,181 रन्स। साल 2021 से लेकर अब तक रूट ने टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 50 टेस्ट की 91 पारियों में 56.71 की एवरेज से 4,651 रन्स बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 17 हंड्रेड्स और 16 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने हैं। उन्होंने 29 टेस्ट में 50.70 की औसत से 2,586 रन बनाए। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्रिकेट केसरी के चैनल को।